हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक टू केयर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे वन प्लस सेवन प्रो पोर्टेड रॉम फॉर द रेडमी नोट 5 प्रो। काफ़ी समय से कोई भी यहां पर वन प्लस रॉम रिव्यू नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना रिव्यू कर दिया जाए ये वन प्लस सेवन प्रो का रॉम रिव्यू। तो देख सकते हैं यहां पर स्नैपड्रैगन 855 शो कर रहा है, जो कि बेसिकली रॉन्ग है। और यहां पर आप देख सकते हैं आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है, और सिक्योरिटी पैच जो लेवल है वो यहां पर आपको 1 मेगा देखने को मिल जाता है। आपको सिक्योरिटी पैच यहाँ पर देख सकते हैं OP7002 बीटा 14 आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ एज अ सेकेंडरी डिवाइस। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो गाइस लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब। लेट्स नाउ स्ट्रेट टू द वीडियो। शुरुआत करते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पर हम ट्राई करेंगे जियो वोल्टी। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, जियो वोल्टी जो है वो यहाँ पर परफेक्टली वर्क करता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर इवन आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। स्पीकर म्यूट, कीपैड, ऐड कॉल, होल्ड यहाँ पर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और कैमरा की बात कर लें तो कैमरा यहाँ पर आपको वन प्लस कैमरा ऐप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर 2x वगैरह सभी चीज़ें वर्क करते हैं जो कि डिजिटल है। बट यहाँ पर आप जी कैम चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, जी कैम काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, कोई इशू नहीं होगी आपको। जी कैम में परफेक्टली वर्क करेगा आपका जी कैम इस रॉम में, कोई इशू नहीं होगी आपको जी कैम यूज़ करने में। और यहाँ पर मैं लॉन्चर दिखा दूँ तो ये आपको कुछ लॉन्चर मिल जाता है, जहाँ पर आपका गूगल फीड मिल जाता है। आइकन पैक वगैरह आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये आइकन जो है वो है क्रेऑन आइकन, तो देख सकते हैं क्रेऑन आइकन मैंने अप्लाई किया है। और मैं दिखा दूँ यहाँ पर लॉन्चर की सेटिंग में क्या क्या मिल जाता है। होम सेटिंग में जाएंगे तो देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शंस वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। हाइड आइकन लेबल, ड्रॉवर, चेंज आइकन, चेंज होम स्क्रीन लेआउट, ऐप हाइड भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। अबाउट में जाके देख सकते हैं ऑक्सीजन वन प्लस लॉन्चर 4.3.8 आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन पैनल, डबल टैप टू लॉक, डबल टैप टू स्लीप, डबल टैप टू अनलॉक। और मैं चले जाता हूँ सेटिंग में, कस्टमाइजेशन वगैरह दिखा दूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर एंटीटू बेंचमार्क स्कोर दिखा दूँ आपको। और गाइस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इस रॉम में की, 1,54,155 आपको एंटीटू बेंचमार्क स्कोर मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी है गाइस, कोई स्टटर एंड लैग्स वगैरह मैंने नोटिस नहीं किए हैं। डेली यूसेज में काफ़ी अच्छा रन करता हुआ अब तक का यहाँ पर ऑक्सीजन OS काफ़ी स्टेबल है हमारे रेडमी नोट 5 प्रो में। पबजी में एक बार ओपन करके दिखा दूँ, पबजी कौन से मोड में खेल पाएंगे आप यहाँ पर इस रॉम में, पबजी का जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आपने पबजी का HDR वगैरह जानना चाहते हैं तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन में, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कैसे आप HDR में खेल सकते हैं अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइसेस में, या फिर किसी एंड्रॉइड डिवाइसेस में। हाँ, जो मिड रेंज फ़ोन है ना, कि बजट रेंज में आप नहीं खेल सकते बेसिकली, बट यहाँ पर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ग्राफिक वो यहाँ पर आप HD में खेल सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा दूँ ग्राफिक्स में, तो देख सकते हैं HD में खेल सकते हैं और कोई इशू नहीं आएगी आपको पबजी खेलने में इस रॉम में। हल्का सा यहाँ पर मुझे वो इशू लगा, लाइक फ्लिकरिंग का इशू लगा है पबजी में लाइक, तो वहाँ पर कोई इशू नहीं है। ओवरऑल गेम प्ले करने में कोई इशू, जब आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर फ्लिकर वगैरह आपको मिलेंगे देखने को। और यहाँ पर मैं चलता हूँ सेटिंग में, सेटिंग में आपको कस्टमाइजेशन वगैरह दिखा दूँ। उससे पहले बैटरी लाइफ दिखा दूँ, तो बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको, 7.5 आवर्स के स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाती है इस रॉम में। वाईफाई एंड ब्लूटूथ अच्छे से वर्क करता है, कोई इशू नहीं है। डुअल चैनल एक्सेलरेशन मिल जाता है आपको इस रॉम में। डिस्प्ले में जाएंगे तो डिस्प्ले में देख सकते हैं नाइट मोड, रीडिंग मोड, एम्बियंट डिस्प्ले। एम्बियंट डिस्प्ले वर्क करता है एक्चुअली, तो मैंने ट्राई किया था, लिफ्ट अप डिस्प्ले मैंने ट्राई नहीं किया है। और यहाँ पर वाइब्रेंट कलर वगैरह, एक्यूरेसी वगैरह आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस रॉम में। कस्टमाइजेशन में जाते हैं तो देख सकते हैं क्लॉक स्टाइल, ओरिजिनल लाइट, आइकन, आइकन फॉन्ट वगैरह, एक्सेंट कलर, टाइम, फॉन्ट, ये सभी चीज़ें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बटन एंड जेस्चर में जाते हैं तो यहाँ पर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं 3 फिंगर टू स्क्रीनशॉट, डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप, लाइक ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में शो किया था, तो वहाँ पर ये भी चीज़ें जो हैं अच्छे से वर्क करती हैं। ओवरऑल हर चीज़ें जो हैं वर्क करती हैं इस रॉम में। डार्क मोड में दिखा दूँ, यहाँ पर डार्क मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
सो गाइस आई एम सरप्राइज क्योंकि डार्क मोड जो है वो यहाँ पर नहीं मिलता है इस रॉम में। मैंने सोचा मिलेगा डार्क मोड बट जो है नहीं मिलता आपको। यहाँ पर सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक वगैरह रजिस्टर कर सकते हैं। बैटरी मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। यूटिलिटीज़ में जाते हैं तो पैरेलल ऐप्स लाइक 12 ऐप्स ऐप लॉक वगैरह आप कर सकते हैं। वन प्लस लेबोरेटरी तो यहाँ पर ये सभी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। काफ़ी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन के साथ आता है ऑक्सीजन ओएस, प्लस आपको स्टॉक एंड्रॉयड वाली फीलिंग भी मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिखा दूँ तो एक बार में हमारा अनलॉक हो जाता है, बट आपको फिंगरप्रिंट जो उसे प्रेस करके रखना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं, तो फिंगरप्रिंट अनलॉक हो जा रहा है इजीली, बट आपको प्रेस करके रखना पड़ रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओवरऑल नॉट द फास्टेस्ट। फेस अनलॉक दिखा दूं मैं यहाँ पर, फेस अनलॉक यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो देख सकते हैं काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव वर्क करा है। इवन आप लॉक स्क्रीन भी नहीं देख पा रहे तो फिंगरप्रिंट स्कैनर से अच्छा यहाँ पर आपका फेस अनलॉक वर्क करता है। मैं यहाँ पर फिर से दिखा दूँ तो देख सकते हैं। सो गाइस ये था एक छोटा सा रिव्यू। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अब जो है रॉम्स के रिव्यू मैं चाह रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट कर दूँ, ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ, तो जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, जाके टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, इस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।